वहीद अहमद एडवोकेट रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने केसीआर के यूसीसी बिल की मुखालिफत के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि केसीआर के दूरंदेश कायद जिनकी दानिशमंदी के जरिए मुल्क भी तरक्की की तरफ गामजन होगा। वहीद अहमद एडवोकेट रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने कहा है कि यकसा सिविल कोर्ट मसला अगर यूसीसी नाफिज हो गए तो इनफरादी मजहबी कवानीन मनसूख हो जाएंगे, कबाइली गैर तहरीरी रस्म रिवायत कानूनी हैसियत खो देती हैं। बुनियादी एतराज ये है कि कसीर जात और कसीर मजहब हिंदुस्तान में ये मुमकिन नहीं। वहीद अहमद एडवोकेट रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने अपनी पार्टी बीआरएस के सदरा और वजीर आला के चंद्रशेखर राव से वाजे किया है कि वो मरकज की बीजेपी हुकूमत के जरिए लाए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के वाजे तौर पर मुखालिफ हैं, जो तरक्की को नजरअंदाज कर रही मुल्क और अवाम के दरमियान दूरी पैदा कर रही। आइए एक बार फिर मुल्क के लोगों को मुश्तरिका शहरी याददाश्त के नाम पर तकसीम करें। हम मरकज की तरफ से हिंदुस्तान के लोगों के इतिहाद को तोड़ने के लिए लिए गए फैसलों को मुस्तरद कर दें, जो मुख्तलिफ खितों, नस्लों, मजाहिब, रस्म रिवाज और सकाफतों के साथ दोनों ने इतिहाद का मुजाहरा करके दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़े हुए हैं। और इसलिए हम यूसीसी बिल की मुखालिफत करेंगे। जो जमातें इकट्ठी होंगी हम उनको मुत्तहिद करेंगे। मैं रियासत तेलंगाना के वजीर आला कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का बेहद ममनू मशकूर हूं, जिनके ऐलान का मैं खैर मकदम करता हूं, जिन्होंने यूसीसी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बिल की मुखालिफत करने के लिए जो बयान दिया है और उनकी पार्टी का जो डिसीजन लिया है, मैं उस बयान का खैर मकदम करता हूं। और मैं केसीआर साहब को सलाम करता हूं, जिनकी दूरअंदेशी आज मुल्क को जरूरत है। जिस तरीके से केसीआर साहब ने अपने दानिशमंदी का सबूत दिया, तेलंगाना के पूरे नदियों को, खेतों तक पानी सरबरा किया, घरों तक पानी सरबरा किया, ये रियासत तेलंगाना जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, जिसको एक पसमानदगी की तरफ डाल दिया गया था, लेकिन केसीआर साहब की दूरअंदेशी और दानिशमंदी का सबूत है, तेलंगाना छोटी रियासत होते हुए भी तरक्की याफ्ता रियासत बन चुकी है। और आज केसीआर साहब जैसे दूरअंदेश और दानिशमंद कायद की हिन्दुस्तान में जरूरत है, हमारे मुल्क के वजीर आजम के लिए ऐसे कायदीन की जरूरत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय राष्ट्रीय समिति का और हमारे पार्टी के सरबराह कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का, जिन्होंने यूसीसी पर जो डिसीजन लिया है, मैं उसका खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि केसीआर साहब के इस डिसीजन के बाद मुल्क की दीगर जमातें, दूसरे स्टेट की जमातें और जो रियासतों में हुकूमत कर रही है जो रियासती पार्टी है, अब केसीआर साहब के इस डिसीजन को इंशाल्लाह वो लोग भी सोचेंगे और उस पर गौर करेंगे और तमाम एकजुट होंगे और यूसीसी बिल की मुखालिफत करेंगे। ये बिल हिन्दुस्तान के ट्रेडिशनल जो कस्टम्स है हिंदुस्तान का, जो मजहबी रिवायतें हैं उसको खत्म कर रहा है। ये बिल एक कोई मजहब को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, ये बिल हमारी आजादी को खत्म करना चाहता है, हमारी मजहबी आजादियों को खत्म करना चाहता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान कबायली आदिवासियों को होगा और इससे सबसे बड़ा नुकसान माइनॉरिटीज को होगा, क्रिश्चियन को होगा, जैन को होगा, मुस्लिम्स को होगा। ये हमारे जो कस्टम्स है, आज जो हिंदुस्तान की जो हमारे मुल्क की शनाख्त है पूरी दुनिया में, एक शनाख्त रखता है हमारा मुल्क इतने सारे मजहब को लेकर, इतने सारे मजहब को लेकर जो हमारा मुल्क 70 सालों से चल रहा है, एक गुलदस्ते की तरीके से हमारा मुल्क जो काम कर रहा है उसको तहस नहस करने की साजिश है। साबिका में भी 2016 में भी ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन ला कमीशन अक्सरियत मुखालिफत के बाद ला कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया था। मुझको उम्मीद है इस बार भी हिंदुस्तान के तमाम मजाहब के लोग इस बिल की मुखालिफत करेंगे। इस बिल से हमको हमारी छोटी छोटी चीजों पर भी हमको यानी रोका जा सकता है और मैं समझता हूं ये वाहिद मुल्क है जो दुनिया में कहीं ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो तमाम मजाहब को लेकर चल रहा है और तमाम की मजहबी आजादी भी यहां पर फराहम की गई है। मैं इस कानून की बेहद अदब और एहतराम से इज्जत करता हूं, क्योंकि ये कानून
बहुत ही अच्छा कानून है, इसकी मिसाल दुनिया के कोई ममालिक में नहीं मिल सकती। और केसीआर साहब ने जो संजीदगी के साथ जो एक डेलीगेशन को सुना है और सुनकर जो आपने जो गौर किया है अपने पूरे अराकीन पार्लियामेंट को बुलाकर, मैं खैर मकदम करता हूं और याद दिलाता हूं आवाम को, ये वही केसीआर साहब है जिन्होंने इस पसमानदा तेलंगाना को हासिल करते हुए आज गोल्डन तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना बनाया। ये वही केसीआर साहब है जिन्होंने अकलियतों के लिए अपनी तमाम ताकतें लगाकर एक बार सियासी तौर पे भी मुसलमानों को साझेदारी अदा की, और न सिर्फ साझेदारी, मैं ये कहूंगा कि इससे पहले भी एनआरसी सीए पे भी अगर कोई रियासत में अगर रेजोल्यूशन पास हुआ तो वाहिद रियासत थी जो तेलंगाना रियासत थी। और ये वही केसीआर साहब है जिन्होंने 12% तहफुजात को लेकर दोनों एवानों में बिल मंजूर किया। किसी रियासत ने आज तक ऐलान नहीं किया, कोई सियासी जमात आज भी देश 12% देने का कभी वादा कर रही है, मगर ये केसीआर साहब है आज भी अपनी जद्दोजहद को बरकरार रखे हैं। इनके स्ट्रगल को सलाम करता हूं जिन्होंने अपने 21 साल तेलंगाना तहरीक का जो दौर अमन के साथ पीस के साथ आपने तेलंगाना को हासिल किया। मुझको उम्मीद है आने वाले दिनों में केसीआर साहब इस मुल्क में आइंदा मुल्क के वजीर आजम बनकर आएंगे। मैं केसीआर साहब का बेहद ममनू मशहूर हूं जिन्होंने जब कभी ऐसा नाजुक मरहला आता मुल्क के लिए तो वो कबाइलियों के लिए, अकलियतों के लिए, यानी छोटे लोगों के लिए केसीआर साहब ने हमेशा उठ खड़े हुए। मैं केसीआर साहब की दूरदेशी को सलाम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं और अल्लाह से दुआ हूं कि अल्लाह ऐसे दानिशमंद कायदी को मुल्क के लिए चुने, अल्लाह इनको मुल्क का वजीर आलम बनाए।